अरे ये नंबरी नोट किसका? लगता है दादी का होता। हम अभी देकर आते उनको। अरे गौरी, हम जब देखो तब लेट करते। लो इका, तब तक हम ये दादी को देखकर आते हैं। दादी, दादी। जो ओम तत्सुल बेला भर को दे बस धीमे धीमे हर को। दादी। देवी नांग के अंदर आ गई। रुक मनहूस, अभी हम बताते हैं। जवानी की औकात नहीं, हमें दादी बनाने चली है, हैं? आज हम तुम्हें यमराज के दर्शन करा ही देते हैं। नहीं दादी। आज के बाद अगर देवड़ी के अंदर पाव रखा ना तो टांग कटवा देंगे। ले जा इस मनुष्य को, पूरे घर को हमारे अशुद्ध कर दिया, हमारा धर्म भ्रष्ट कर दिया। ऊंचे कुल क्या जन्मिया, जे करनी ऊंच न होए, स्वरण कलश सुरई भरिया, साधु निंदिया सोए। ऊंचे कुल में जन्म लेने का क्या फायदा, जब कर्म ही ऊंचा ना हो। जैसे सोने के कलश में अगर शराब भरी हो तो कलश साधुओं की निंदा का पात्र होता है। हवेली की मालकिन मृदुला देवी भेदभाव की भावना से ग्रसित है, और जहां अंधेरा होता है मां विश्वास नहीं, अंधविश्वास का वास होता है। मृदुला के मन में ये बात घर कर गई थी कि शनिचरी के आसपास होने से उनका और उनके परिवार का सिर्फ और सिर्फ बुरा होता है। उन्होंने इस मासूम सी बच्ची का नाम शनिचरी रखा था। आज की कहानी मासूम और सच्ची शनिचरी के विश्वास और मृदुला देवी के अंधविश्वास के बीच के द्वंद की है। अम्मा कैसा महसूस हो रहा है? तबीयत ठीक नहीं, बहुत दर्द है बेटा। अम्मा बस ठीक हो जाएगा आप। अम्मा जी हल्दी वाला दूध लाइए, पी लीजिए, आपको आराम मिलेगा। उठो तो आराम से। अरे धीरे से, धीरे से। लगता है कमर टूट गई। अम्मा बाम लगा देंगे। नहीं बेटा, मत नहीं है। आपकी तबीयत जल्दी सही हो जाएगी। अम्मा थोड़ा सा पी लो बस। थोड़ा सा। मालकिन, एक मिनट के लिए तो हमारा प्राणी सूख गया था, ऐसा ही चिल्लाई थी। उस स्त्री शनिचरी ना सुबह सुबह हमारी डेवड़ी के अंदर आ गई, हमारे पूरे घर में मनुष्यत हो गई। उसी के कारण हम फिसल कर गिर गए और हमारी कमर। दादी, ये खिलौना तो यीशु ने वहाँ पे छोड़ा था, इसमें शनिचरी की क्या गलती? चुप रह, जब देखो तब कैंची की तरह कतर कतर जीभ चलती रहती है। चल भागी यहाँ से। चलो दादी की तबीयत से नहीं, उठो चलो। ऋषभ चलो, तुम आ जाओ। अम्मा आप लेट जाओ, आराम करो। ससुरी करम जली मनहूस
शनिचरी के कारण हालत। आराम से अम्मा, आराम से। ए शनिचरी, कहाँ जा रही है तू? हम अभी है बाबा। अरे रुकना, तुम दोनों तो जानते हो ना कि अम्मा कैसी हैं। वो जो भी करती हैं हमको पसंद नहीं है, लेकिन क्या करें, तो हमारी अम्मा ना। मालिक, शनिचरी तो बच्ची है ना, उसको माफ कर दीजिए। मालती, तुम तो बता सकती थी ना उसको कि मालकिन से दूर रहे। ठीक है, अभी तुम लोग जाओ। सीखते हैं क्या हमारी वजह से दादी को चोट लगा? नहीं ना, दादी को जल्दी से ठीक कर दीजिए। तू किससे आ गई? तुझसे कितनी बार कहा शनिचरिया कि मंदिर के अंदर मत आया कर, लेकिन तू है कि समझती नहीं। अरे पंडित जी, हमारी बात तो सुनो। जो कुछ बोलना है दूर खड़ी होके बाहर से बोल। तुम्हें पता है ना ये मंदिर के मालिक तुमसे कितना चिढ़ते हैं। चल बाहर, बाहर चल। अरे पंडित जी, हमारी बात तो कम से कम सुन लिया। देख, ये है तोहार लक्ष्मण रे, अगर ई का पार की तो। कहा पंडित जी, सारा पानी तो आप हम पे गिरा दिए, फिर उनको का चढ़ाएंगे? हाँ एकदम से पगलेट हो तुम, अभी डांटे ना तुमको, फिर से ठिठोली करने लगी। जाओ घर जाओ। ए पगलेट, अभी तक घर नहीं गई? अरे आपने हमारी सनी जी से पूरी बात नहीं होने दिया, तो हम कहे जाए? सच्ची में एक नंबर की पगलेट, पी लो प्रसाद और घर जाओ। शनिचरी ना सुबह सुबह हमारी डेवड़ी के अंदर आ गई और भाई पूरे घर में मनुष्यत हो गई, उसी के कारण हम फिसल कर गिर गए। और भाई कमर, नहीं पंडित जी, हमें प्रसाद नहीं चाहिए, हमें तो शनि जी का आशीर्वाद चाहिए ताकि हम दादी का दर्द दूर कर सके। ये ले लो प्रसाद, शनिदेव का है, दादी को खिला देना, सब दुख दर्द दूर हो जाएगा। सच्ची? हाँ। और दीजिए ना, और दीजिए। शनिचरी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें
दादी ने इतना मारा है, तुम फिर भी उनको देखी जा रही हो? कहा है ना दीदी, ये जो प्रसाद है ना, ये सनी जी का है और हम दादी के लिए लाए, और अगर ये खा लेंगे ना तो उनका सारा दुख दर्द दूर हो जाएगा। तो हम सोच रहे हैं कि ये प्रसाद उनको कैसे खिलाएं। इतनी बार समझाया इस लड़की को कि हवेली वालों से दूर रहो। अरे वो अमीर लोग हैं, हम गरीब लोग हैं, हम नौकर हैं, वो मालिक है, हम उनकी बराबरी नहीं कर सकते। पता नहीं ये लड़की कौन सा आसमान छूना चाहती है। ये कहाँ बोल रहे हैं, छोटी बच्ची धीरे धीरे सब समझ जाएगी। कहाँ समझ जाएगी, ए कहाँ गए थे तू? बाबा वो हम दादी को सनी जी का प्रसाद देने गए थे। तो इतनी बार मना किया ना कि हवेली वालों से दूर रहो, है? बाबा वो हम दादी को सिर्फ प्रसाद देने गए थे। क्या दादी, मना किया था ना? अरे इतनी बार मार खाई हो तुम, फिर भी वहां गई, तुम ऐसे नहीं मानोगे दादी को। दादी नहीं बाबा, हाथ आगे करो। नहीं नहीं नहीं, हाथ आगे करो। नहीं 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 बाबा, हाथ आगे करो। दादी ये लो प्रसाद खा लो, तुम्हारा सारा दर्द ठीक हो जाएगा। जय हो प्रभु, हमारी सुमन कितनी अच्छी है, अपनी दादी का कितना ख्याल रखती है। प्रसाद लेके आई है दादी के लिए। नहीं नहीं दादी, ये प्रसाद हम नहीं लेके आए है, ये प्रसाद तो शनिचरी लाई है मंदिर से। हाय राम, तुमने तो हमारा धर्म भ्रष्ट कर दिया। अरे सुंदरी, जरा गंगा जल लेके आ। सुमनिया, तुम्हारे दिमाग में गोबर भरा है का? तुम्हारी इतनी अकल नहीं, तुम हमको शनिचरी के हाथ का प्रसाद खिला रही हो? पागल हो गई हो का? अरे सुंदरी, क्या हरिद्वार चली गई का? गंगा जल ले गए। मालकिन, क्या हुआ मालकिन, हम छिड़क दे का? अरे नहीं, हमको लाओ। हे प्रभु, हे प्रभु, हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम। हे प्रभु क्षमा कर देना, हमने प्रसाद का अनादर नहीं किया, हमने तो अपना धर्म बचाया है। अरे दादी यहाँ आओ बेटा। क्या हुआ दादी? इधर आ, एक बात बता, हम तुम्हारे कान पर एक कंटाप दे तो तुम्हारी आंख से ना गंगा जमुना बहने लगेगी। खीखी खीखी खीखी, चलो आ गया आ गया। हाय राम, ये शनिचरी तो हमारे पीछे हाथ धो के पड़ी है। करने पर मार की मिलती है, हम तो अच्छी काम करने गए थे ना, फिर पापा ने हमें दो बार क्यों मारा? बच्ची एक बात बताओ, हम तुमको वहां जाने से मना किए थे ना, फिर कहे गई तुम? सिर्फ उड़कर हमारी रोड वापस करने गए थे। बेटा वो उनका पैसा है, उनको फिकर करने दो, तुम काहे फिकर करती हो? लेकिन बाबा आपने ही तो समझाया था ना,
अगर इसे कभी गिरा हुआ सामान मिल जाए उसे वापस करना चाहिए तो हम सिर्फ उनका सामान वापस करने एक बात कहें, तुम दोनों ना शनिचरी से कुछ ज्यादा ही लाड करते हो। शनिचरी बहुत मनहूस, जिस दिन पैदा हुई थी उस दिन तुम्हारे दादाजी मर गए थे। अरे तुम्हारे दादाजी को खा गई, एक दिन तुम दोनों को भी खा जाएगी। हाँ दादी, उसका इतना छोटा सा मुंह वो कैसे खा पाएगी? चुप सुमन, तुम्हारे दिमाग में सचमुच गोबर भरा। भगवान जब बुद्धि बांट रहे थे तब तुम क्या घास चरने गई थी? अगर शनिचरी ने तुम लोग को छू लिया तो तुम लोग भी काले हो जाओगे। कोई तुम लोगों से दोस्ती नहीं करेगा, और तो और तुम लोग की शादी भी नहीं हो पाएगी। हरे राम, हरे राम। दर्द हो रहा बेटा? हमने अपनी भगमनिया पे हाथ उठाया, अपने बाबा को माफ कर दो बच्चा। जब आप नहीं रोएंगे हम आपको माफ कर देंगे बाबा। ठीक है, अब हम नहीं रोएंगे, लेकिन एक वादा करो, अब तुम दादी से दूर रहोगे। हम वादा करें। ये मैं हंसने की क्या बात है? माँ, हमसे सब दूर भागते हैं ना, शनिचरी शनिचरी कहकर, और बाबा कह रहे हैं कि दादी से हम दूर भागे, फिर वो भी तो शनिचरी हो गई ना। हाथ पुरवा, कुछ भी बोलती है। चल अब हाथ धोते और सोते। ये जो प्रसाद है ना, ये सनी जी का है और हम दादी के लिए लाए। अच्छा, हमें तो हम दे दिए। अगर शनिचरी ने तुम लोग को छू लिया तो तुम लोग भी काले हो। कोई तुम लोगों से दोस्ती नहीं करेगा, और तो और तुम लोग की शादी भी नहीं हो पाएगी। अरे सुमन, तू अभी तक जागे का ही है, सो ना। उसने हमें छुआ था, हाँ हम भी काले हो जाएंगे। किसने छुआ था? शनिचरी ने। अरे सब कुछ नहीं होता है, चल सो चुपचाप। ओ सुमन, ऋषु, उठो बेटा, स्कूल जाना है, सुबह हो गई है। सुमन, तुम कौन इस दिन जावत? क्या हुआ सुमन, काहे चिल्ला रही हो? शनिचरी ने हमको काला कर दिया, अब नायकों से मात करेगा और ना ही मेरी शादी होगी। अरे क्या बोल रही हो, आओ। ये तो रंग है, किसने लगाया? ऋषु, तू ना लगाना, अब देव मैं तुझे बताती हूँ। अरे सुमी, ऋषु रुको, स्कूल को देरी हो रही है। अरे बच्चों, अम्मा ये सब कहा है? शनिचरी के छूने से कोई काला हो जाएगा का? काहे बच्चों को आप ऐसे डराती रहती हैं? देखो धर्म, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उसे टेढ़ी करनी पड़त है। तुमने अगर अपने बच्चों को सिखाया होता तो ये नौबत ना आती। माँ, माँ देखो हम कैसा खेल रहे हैं। विश्वास
आपकी किताब। शनिचरी बहुत मनहूस, तुम दोनों को भी खा जाएगी। नहीं नहीं, हमें नहीं चाहिए किताब। दादी ने तुमसे दूर रहने के लिए कहा है। दीदी, अरे सुनिए आपका किताब। माँ, A for apple वाली बुक। हाँ बिटिया। माँ हम कब जाएंगे स्कूल? A for apple, C for हाँ का C O W D बिटिया। ये स्कूल ही पढ़ा है, हम जैसे लोगों के लिए नहीं है। क्यों, हम नहीं जा सकते क्या स्कूल? हमें भी तो पढ़ना आता है। देखो, A for apple, B for ball, C for cat। अगर बड़ी माँ की ने सुन लिया ना तो काट के फेंक देंगी तुमको। अरे हमें पूरा तो फिनिश करने दीजिए। E for elephant, F for fish, G for goat, H for horse, I for ice cream, J for joker। अरे वाह, तू तो बहुत कुछ जानती है, कहाँ से सीखा ये सब? ऋषु भाई और जब सुमन दीदी पढ़ते हैं ना तो हम सारा छुप छुप के सुनते हैं। ओ, तू भी पढ़ना चाहती है? अच्छा ये बता, पढ़ लिख कर क्या करेगी? आपकी तरह बनूंगी और माँ बाप का ख्याल रखूंगी, जिसके आप सुमन दीदी और ऋषु भाई का ख्याल रखते हैं। ठीक है, तो तेरा नाम स्कूल में लिखवा दें? हाँ ठीक है, लिखवा देते हैं। सच्ची? थैंकू काका। ठीक। वाह, धर्म काका हमारा नाम लिखवाएंगे स्कूल में। ये 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 तो आहा। बेटा, ये तुम उल्टी गंगा काहे बहा रहे हो? हमने सुना है कि तुम शनिचरी को पढ़ाने की सोच रहे हो। अरे उका हमारे बच्चों का मुकाबला करेगी? एक बात कहे बेटा, सुअर के बच्चे को जितना नहला धुला लो, चंदन का टीका लगा लो, लेकिन वो लौटेगा कीचड़ में, समझे कि नहीं? मगर तुम ये बात को नहीं समझो। पता नहीं कब समझोगे तुम ये बात को। अम्मा भाई, सब बोलना जरूरी है का? बिल्कुल जरूरी है। एक बात बता दें, अगर तुम यही करोगे ना तो यही जो हवन का कुंड है ना, इसी में हम जल के मर जाएंगे। हाँ बस करो अम्मा। देखो अम्मा, आप हमारी माँ हो इसलिए हम आपका आदर करते हैं, हम आपकी बात पर कोई एतराज नहीं करते। अब जो भी इस घर में करती हैं, कैसे भी करती हैं, हम चुप रहते हैं, लेकिन इस घर की चौखट के बाहर जो हम करते हैं वो हमारा मामला है और उसे हम अपने तरीके से ही करेंगे। बस दीवानी, हमको जरूरी काम से गोरखपुर जाना है, कल लौटेंगे। अरे बेटा, हवन तो पूरा हो जाने दो। काहे बात का हवन अम्मा? अरे जिससे मन की शांति ना मिले, मन शुद्ध ना हो, ऐसी पूजा का क्या फायदा? कोई मतलब नहीं। अरे लेकिन बेटा, बेटा देखा, उस ससुरी शनिचरी ने हमारे लड़के के ऊपर भी ग्रहण लगा दिया। अब देखो, अब हम इस शनिचरी का क्या हाल करते हैं। पकड़ ससुरी को, छोड़ना मत। जिस दिन पैदा हुई है उस दिन हमारा सुहाग खा गई। पढ़ने लिखने की बात कर रही है, बंद करो अगर ठिकाने आ जाएगी। अभी बात समझने की कोशिश की थी, मालकिन छोटी बच्ची है, मालकिन माफ कर दीजिए। बच्ची है वो अंदर मर जाएगी, मालकिन मालकिन उसकी जगह हम लोगों को सजा दे। अच्छा, जिसको बुखार होएगा दवाई उसी को तो पिलाना पड़ेगा ना। अब पढ़ाई का बुखार तुम्हारी लड़की को हुआ है तो दवाई भी तो वही पिएगी कि नहीं? माँ, बाबा, मुझे बहुत डर लग रहा है। एक बात बताओ, ये तुम दोनों के दिमाग का षड्यंत्र तो नहीं है कि उसके दिमाग में पढ़ाई का भूत सवार करा दिया ताकि वो हम लोगों की बराबरी कर सके? नहीं मालकिन, ऐसा मत कहिए मालकिन। हम कसम खाते हैं,
आज के बाद उनको पढ़ाई का नाम भी नहीं लेने देंगे। ये बात तो पहले सोचनी चाहिए थी, उसके दिमाग में पढ़ाई का भूत घुसने से पहले। अब जाओ यहाँ से, सुबह तक ताला नहीं खुलेगा, समझे कि नहीं? जाओ, नहीं तो कटवा के कटवा देंगे उसे। नहीं मालकिन, नहीं 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 मालकिन, जाओ यहाँ से। मालकिन छोड़ दो, छोड़ दो, निकल। कब तक सहते रहेंगे हमारी फूल जैसी मासूम बच्ची पे इतने जुल्म? हम कहीं दूर नहीं जा सकते। कहाँ जाएंगे हम? हमारे पुरखे इनके यहाँ सदियों से सेवा करते रहे, हमारे माँ बाप इनके यहाँ नौकर थे, और हम तो पढ़े लिखे भी नहीं है अंगूठा छाप। कहीं जाएंगे तो हमको कौन नौकरी देगा? कैसे हम तुम लोगों का पेट पालेंगे? कहाँ जाए बताओ? उसे हमें नहीं पता, कहीं भी जाएंगे कम से कम यहाँ से तो अच्छे रहेंगे ना। ये भी कोई जिंदगी है? हमारी फूल जैसी बच्ची को वो अंधेरी काल कोठरी में बंद कर दिया, और भगवान ना करे अगर वो कोई सांप बिच्छू होगा तो। दादी आपने भी कहा मत कहती, सनी जी आप ही हमें यहाँ से बाहर निकाल सकते, आप हमें यहाँ से बाहर निकालिए ना, हमें बहुत डर लग रहा है सनी जी। सनी निकालिए। पकाए पूर के आप खाना थाली में। शनिचरी को सही बात सिखाना ही भारी पड़ जाएगा, ये हमने सपने में भी नहीं सोचा था। शनिचरी के बाबा, शनिचरी के बाबा। मालकिन, हमने आपका नमक खाया, पूरी जिंदगी आपकी सेवा में बिताई। मालकिन, कल धर्म भैया के आने से पहले हम लोग ये गांव छोड़कर चले जाएंगे। तुम दोनों के लिए यही उचित है। शनिचरी, उठ बिट्टू, तू ठीक तो है? Thank you.
कुछ तो बोल, बोल। बहुत डर लगा होगा ना तुझे? नहीं माँ, हमें तो बिल्कुल भी डर नहीं लगा था। वो थे ना हमारे साथ। वो कौन? सनी जी। सपना देखा होगा इस बच्ची। नहीं नहीं बाबा, हम सच कह रहे हैं। सनी जी सच में आए थे। उन्होंने तो हमको माँ की तरह लोरी भी सुनाई थी। उन्होंने ही तो मुझे सुनाया। चलो बच्चा, घर चलो। दरवाजा खोल। इतने बड़े पांव के निशान किसके? गोविंद गोविंद गोविंद। आखिर कौन था शनिचरी के साथ उस अंधेरी कोठरी में, जिसने उसे लोरी गा के सुला दिया? किसके पैरों के निशान बने थे कमरे के फर्श पर? किसने बनाई थी शनिदेव की तस्वीर दीवार पर? क्या भगवान शनि पर शनिचरी की आस्था ने मूरत का रूप लेकर उस संकट की घड़ी में उसे संभाला था? मनोई हेतु सर्वेशाम निद्रिया नाम परवर्तने शुभ शुभ स्ववस्थासु तच में सुव्यवस्थितम। रामायण के सुंदर कांड में वाल्मीकि जी कहते हैं, मन के वश में ही सारी इंद्रियां होती हैं, वही सब अच्छे बुरे शुभ अशुभ की वजह है। और जब ये मन हमारे वश में है तो फिर चिंता की क्या बात है? इसलिए जिसके मन में विश्वास होता है वहां साहस होता है, और जहां अंधविश्वास होता है वहां सिर्फ डर होता है। शनिचरी अंधेरे कमरे में बंद होने के बाद भी भयभीत नहीं हुई, वही मृदुला जो सारे बंधनों से मुक्त थी उनके मन में डर और शंका भर गई थी। सवाल यह था कि अपने डर और अंधविश्वास अब क्या करेगी? क्या वो अपना व्यवहार बदलेगी या शनिचरी को और नुकसान पहुंचाएगी? क्या इस भेदभाव के विष से शनिचरी को मुक्ति मिलेगी, और मिलेगी तो कैसे? ले बिटिया, थोड़ा सा खाना खाई ले। नहीं माँ, हमें नहीं खाना। शनि जी ने हमें पेट भर खाना खिलाया था, इसलिए हमें अभी भूख नहीं लगेगी। बिटिया थोड़ा सा खाना खाई ले, पता नहीं कल क्या होगा। बेटा अब हम लोग यहाँ बहुत रह लिए, कल भोरे में निकल जाएंगे, समझ गए ना? ए मालती, मालती, ए शनिचरी कहाँ है? अरे कहाँ है? हमें पता है कहाँ गई होगी, हम अभी आते हैं। सनी जी, तुम हमको अपने से दूर काहे भेज रहे हो? हमको यहाँ से नहीं जाना। समझाओ ना माँ बाबा को कि वो हमें यहाँ से नहीं जाने दे। हम कितना मार खाए लेकिन कभी तुमसे कुछ बोले नहीं ना। लेकिन अब बोलेंगे, हमें गांव छोड़कर जाना नहीं है। यहाँ पे दादी है, मारती है लेकिन अच्छी है। धर्म काका, शिवानी काकी, ऋषु भैया, शरद दीदी, सब है यहाँ। तो वो और को
मम्मी को रोटी कौन खिलाएगा? बाबा बाबू तुम जाओ ना, तुम हमारी बात कभी नहीं टाले, अब हिम्मत डालो। बिटिया चल घर चल। माँ क्यों जा रहे हैं? बिटिया वही होता है जो भगवान की इच्छा होती है, शायद इसमें भी भगवान की मर्जी हो। लेकिन माँ हमें अच्छा नहीं लग रहा, अभी धर्म काका भी हमारा नाम लिखवाने वाले हैं स्कूल में। बिटिया स्कूल का नाम भी मत ले, इस स्कूल की वजह से तो तेरे पे इतने जुल्म हुए। और देख बाबा दूर जाकर जब ज्यादा पैसे कमाएंगे ना तो तेरा दाखिला एक बहुत अच्छे स्कूल में कराएंगे। चल अब घर चल। ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः। चलो आज शनिचरी चली गई होगी, हो गई तो हमारी परेशानी भी खत्म हो जाएगी। उसी के कारण शनि महाराज हमसे रूठे हुए थे, आज ये ना डोल भर के तेल चढ़ा देंगे और शनि महाराज प्रसन्न हो जाएंगे। ओम शम शनिश्चराय नमः। चला साहब, साहब हमने कुछ नहीं किया है साहब, साहब हम सच बोल रहे हैं साहब, साहब हमने कुछ नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है। पालके झूठ बोल रहा है दरोगा जी, किसी ने हमारी पोती का अपहरण कराया है, दोनों मिले हुए हैं। मालके ये क्या कह रही आप? सुमन बिटिया के साथ वो लोग अपने शनिचरी को भी चले गए। चला असल में क्या हुआ कि हमने कहा कि हमारे घर से तुम लोग चले जाओ, उसी जलन के मारे उन्होंने हमारी पोती को अगवा करा लिया। अरे मालके भगवान के लिए ऐसा इल्जाम तो ना लगा, हमने आपका नमक खाया, आपको बचा लीजिए, मार्केट बचा लीजिए। चल ए बंद कर अपना ड्रामा, ये चले इसे। नहीं साहब नहीं, साहब साहब छोड़ दीजिए साहब, हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए साहब, इन्होंने किसी को अगवा नहीं किया साहब, हम सच बोल रहे हैं साहब, साहब छोड़ दीजिए साहब, रहम कीजिए साहब, साहब मत रो दीदी, शनि देव जी सब देख रहे हैं, वो हमारी मदद करने जरूर आएंगे। वो लोग बहुत बुरे हैं, उनके पास बंदूक भी है। अरे तो क्या हुआ, शनि देव के पास तो भाला है, धनुष है, उनके पास चार चार हाथ है, ये इन सब लोग को मार डालेंगे। चलो हम लोग शनि जी को याद करते हैं। जय जय श्री शनिदेव प्रभु, जय जय श्री शनिदेव प्रभु। सुनो विनय महाराज, करो कृपा हे रवि तने, राखो जल की लाज। ¡Gracias!
रानी जी पे भरोसा करो, वो हमारी मदद करने जरूर आएंगे। अब ये मैं बोलना कि वो हमारे लिए खाना भी लेके आएंगे। हाँ लेकर आएंगे। खाना खा लो। दीदी देखो खाना, चलो खाते हैं। हर मुश्किल हल होगी तेरी आस जो ये लो। ठीक है तो गंदा खाना मैं नहीं खाऊंगी। नहीं दीदी, कभी अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए। माँ कहती है कि अन्न में भगवान का वास होता है, उसे कभी छी नहीं कहना चाहिए। अरे दीदी ये लीजिए पानी पीजिए। ठीक है तो गंदा पानी है मैं नहीं पीऊंगी। दीदी अच्छा पानी है मैं पी कर दिखाती हूँ। अच्छा पानी है पीजिए। बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढो ना। अरे एक दिन शहर से बाहर का चले गए, इतना बड़ा कांड हो गया, सुमन और शनिश्री का किडनैप हो गया, और अम्मा ऊपर से आपने सारा दोष वो गरीब और बेचारे मुन्नीलाल पे मढ़ दिया। अरे बेटा सारा किया धरा मुन्नीलाल का ही है। सांप को कितना भी दूध पिला लो वो एक दिन डसेगा, देख लो डस लिया कि नहीं। हे भगवान हमारी सुमन बिटिया के साथ कुछ बुरा ना हो जाए। शुभ शुभ बोलिए माँ जी, कुछ नहीं होगा मेरी सुमन को। अरे सुमन के पापा आप कुछ कीजिए ना, देखिए अगर हमारी सुमन को कुछ हो गया ना, अरे हम तो जीते जी मर जाएंगे। अरे कुछ नहीं होगा, समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ ढूंढे। बेटा सोचने समझने का वक्त नहीं है, पुलिस से कह के चार डंडे लगवाओ मुन्नीलाल को, सब कबूल देगा। अम्मा अब शांत रहो ना, ये मुन्नीलाल का काम नहीं हो सकता, जरूर किसी गिरोह का काम है। साहब अपनी बात समझने की कोशिश कीजिए साहब, शनिचरी के मामा ने किसी को अपमानित किया, वैसे लोग नहीं है साहब। कैसे लोगों बताओ। साहब हमने कुछ नहीं किया साहब, साहब हम ऐसा कैसे कर सकते हैं। देख सच तो तुझे बोलना पड़ेगा, बगैर सच बोले ये बच नहीं सकता। आप चिंता मत कीजिए। हेलो कुछ भी करिए, कहीं से भी हमरी सुमन को ढूंढ के लाइए, वरना हम कह दे रहे हैं हम अपनी जान दे देंगे। शिवानी संभालो अपने आप को। अरे पुलिस मुन्नी लाल का टेटुआ काहे नहीं दबाती है, उस राक्षस को सब पता। हेलो हम और शनिचरी वहां से भागने वाले थे, तभी वो बदमाश आ गए। भगा दिया और मैं भाग गई और फिर मैं रास्ता भूल गई। हाँ सर, ये हमने ढाबे के पास खड़ी खड़ी रो रही थी, हमने इनको देखा तो आपको फोन किया साहब और यहाँ ले आए। इंस्पेक्टर साहब
हमारी बिटिया को बचा लीजिए इंस्पेक्टर साहब, उसको बचा लीजिए, वो लोग मार देंगे उसको। सुमन बेटा, आप जानते हो वो जगह कहां पर है? शनिचरी, खड़ा करो सर। बेटा कुछ तो बोलो। बेटा बोल बेटा। बेटा शनिचरी कैसा बेटा, तू ठीक है? ए उठ उठ, खड़ा खड़ा, क्या हुआ था यहाँ? यहाँ किसने किया तुम लोगों का? पता नहीं साहब, किसी ने पीछे से जोर से मारा, उसके बाद का कुछ नहीं पता साहब। ए तू बता क्या हुआ यहाँ पर? सच में साहब पता नहीं कौन था साहब। ए लेके जा इनको, चल लेके जा। बेटा आपने कुछ देखा, क्या हुआ था यहाँ पर? हाँ, मैंने दीदी को यहाँ से छुड़ाया, उसके बाद उन दोनों आदमी ने मुझे पकड़ लिया, उसके बाद जैसे ही वो मुझे मारने बढ़े, नहीं जाने दो यार। वो भाग गई भाई लड़की, भाग। एक लड़की नहीं संभलती तुझसे? लगता है कि वो जरूर सनी जी ही थे। और बस मैंने सिर्फ इतना ही देखा। शायद कोई इंसान था जो मौके पर वहां पहुंच गया और उन गुंडों को मार गिराया, और अचानक हुए हमले की वजह से वो गुंडे ठीक से देख भी नहीं पाए कि वो कौन था। पर वो इंसान था कौन, ये आज तक किसी को पता नहीं चला। पर शनिचरी का ये विश्वास है कि उसे बचाने वाले, उन गुंडों को मारने वाले और कोई नहीं, स्वयं शनिदेव थे। वो पहले भी उसके सामने आए थे जब मृदुला ने
शनिचरी को अंधेरे कमरे में बंद किया था। कोई कहेगा ये सब उसका बचपना है, लेकिन मृदुला और उसका परिवार उसके विश्वास को ही सच मानता है। शनिदेव का ध्यान करते हुए भगवान राम के पिता राजा दशरथ ने कहा है, नील द्युतिम शूल धर्म की रीतिनम गृधस्थितम त्रासकरम धनुर्धरम चतुर्भुजम सूर्य सुतम प्रशांतम वंदे सदा भीष्करम वरेण्यम, अर्थात नीलम के समान कांतिमान, हाथों में धनुष और शूल धारण करने वाले, मुकुटधारी, गिद्ध पर विराजमान, शत्रुओं को भयभीत करने वाले, चार भुजाधारी, वरदान देने वाले, सदा भक्तों के हितकारी, शांत रहने वाले सूर्य पुत्र को मैं प्रणाम करता हूं। सवाल यह नहीं है कि दूसरे क्या मानते हैं, सवाल यह है कि आप क्या विश्वास करते हैं। आज आप सेंचुरी हम सब सास स्कूल चलते हैं। यदा न कुरुते भावम सर्वभूतेष्व मंगलम समदृष्टेस्तदा पुंसः सर्वाः सुखमया दिशः, अर्थात जो इंसान किसी से ईर्ष्या नहीं करता, किसी का बुरा अमंगल नहीं चाहता और हर जीव हर चीज के प्रति एक सभाव एक सी दृष्टि रखता है, उस इंसान को हर दिशा हर चीज में खुशियां ही दिखाई देती है। शनिचरी की अच्छाई दृढ़ विश्वास के आगे मृदुला की बुराई और उसका अंधविश्वास हारा ही नहीं, बल्कि शनिचरी के विश्वास ने मृदुला को भी बदल दिया। अब वो किसी भी तरह के भेदभाव को नहीं मानती। अगर आपके पास भी शनिचरी जैसा कोई अनुभव हो तो मैं जरूर लिख भेजिए। अब मैं शक्ति अरोरा आपसे विदा लेता हूँ। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे विश्वास की एक और अविश्वसनीय कहानी के साथ। तब तक आप अपने आप को किसी भी तरह के भेदभाव का शिकार ना होने दें। किसी दूसरे के प्रति द्वेष घृणा या हीन भावना हमें ही छोटा बनाती है। और याद रखें, विश्वास का कोई तर्क नहीं होता और फर्क बहुत पड़ता है। नमस्कार। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।